Department. Hi, hi. Business 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 Department. Hi, hi. मैं सरपंच विजय सैनी पंचायत दल का खैरी, मेरे साथ सरपंच रतनाल के, सरपंच करियाल और सरपंच बाणाचक, चार सरपंच जहाँ आए हैं, हमारे पंच भी आए हुए हैं, नंबरदार आए हैं, चौकीदार आए हैं। आज हम अपने इलाके की जो प्रॉब्लम है वो लेके जहाँ आए थे हम चीफ साहब के पास, लेकिन चीफ साहब ने हमारी सुनवाई नहीं की। इन्होंने अपने एक्शन की सुनी और जे की सुनी। हमने कहा कि जो जे वहाँ का जे है वो अपनी मनमानी करता है। हम कहते हैं कि जब जे काम नहीं कर रहा ऐसे करो, कहता हम सरपंचों को नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, हम अपनी मनमानी करेंगे। हमने कहा कि अगर गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च किया है, मोदी जी कहते हैं कि हर मतलब गांव तक जो है विकास होना चाहिए, सरपंच की इलेक्शन किस लिए की, पंचों की इलेक्शन इसलिए हुई है कि गाँव तक। हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे इलाके में 12 दिन हुआ एक ट्रांसफॉर्म सड़े हुए। हमने जे को फ़ोन किया, एक्शन साहब को भी फ़ोन किया, आज चीफ साहब के पास आए हैं, इन्होंने हमें बिल्कुल नकार दिया। उसके बारे में बोले नहीं है कि ट्रांसफॉर्म लगना है या नहीं लगना। कौन सी जगह का ट्रांसफॉर्म? वो ट्रांसफॉर्म है हमारा इधर गाँव चकड़ा में। फिर हमने जितनी भी हमारे इलाके की सारी प्रॉब्लम थी, आज 4 महीने हुए पोलों से तार उतारी हुई है, वो भी नहीं लगा रहे हैं। क्या करते हैं जी, एच डी की जगह लाइन लग रही है, 5 तारें पुरानी लगा रहे हैं। हमने चीफ साहब से कंप्लेन की कि चीफ साहब कह रहे हैं हम पुरानी तार लगाते हैं। सर क्यों लगाते हैं पुरानी? जहाँ पोल लगते हैं वहाँ मिट्टी और रेता डाल के इन्होंने आज पोल लगाते हैं, तीसरे दिन पोल इनका गिर जाता है, एच डी का पोल गिर रहा है। कितना गाँव है और कौन सा गाँव? हमारे उधर इलाके में कम से कम 15-20 गाँव हैं जिनका वो जेई है। किसी की जितने हमारे करियाल का समय चाहे इनसे वो हमने झगड़ा किया है, हमारे साथ झगड़ा किया है, रतनाल वाणिज्य अखबार जितने भी जो हमारे सरपंच हैं सभी से वो कहता है कि मैं किसी नहीं मानता, मैं अपनी मनमानी करूँगा। लेकिन जब हम उसकी कंप्लेन अपने चीफ साहब के पास लेके आए और चीफ साहब ने हमारी बिल्कुल सुनाई नहीं की, कहता मैं हम कर कुछ नहीं सकते हैं। उल्टा हमने कह रहे हैं कि आप लोग किराया नहीं देते हो इधर। जो इन्होंने हमने एमपी से भी इनको पैसे दिलवाए हैं, 63 लाख रुपये जो मैं इधर वहाँ अपना जो इधर स्टेशन बनाया वहाँ इन्होंने घोटाले किए हैं। अब हम आरटीए लगाएंगे, रोड भी जाम करेंगे, जितना दा होगा हम जाएंगे, गवर्नर पास के भी जाएंगे, एडवाइज़र के पास भी जाएंगे। अगर हुआ तो हमने आप मोदी को भी हम प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे लोगों के साथ बड़ी जाति कर रहे हैं।